हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत ठीक हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज से शारदीय नवरात्र स्टार्ट हो गए हैं, तो आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। आप सभी भविष्य में बहुत ऊँचाइयों पर जाएँ, जो जिस कार्य में है वो सफल हो, और माता रानी अपनी कृपा दृष्टि सभी पे बनाए रखें। तो इसी मनोकामना के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ। और आप देख सकते हैं कि अभी तो मैं किचन में आई हूँ और अभी जस्ट मैंने अपना पाठ ख़त्म किया है। मैं पूरा 9 डेज तक पाठ करती हूँ सप्तशती का, उसके बाद फिर आरती होती है शाम में, और आरती के बाद फिर अपना जो भी खाना पीना बना रहता है वो बनाती हूँ। 9 दिन का व्रत खाली हम ही रहते हैं, तो अभी मैं फलाहार बनाऊंगी। तो इतने टाइम आज हस्बैंड का भी फास्ट है, मम्मी का भी फास्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग आज पूरी सब्जी ही बनेगा। बाकी जब हम अकेले फास्ट रहते हैं तो कुछ भी बनाने का मन नहीं करता, अकेले के लिए बहुत आलस आता है। तो अभी धीरे से स्टार्ट करूँगी। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास कुछ ये आलू वगैरह रखा हुआ है, इसी से अभी आलू की सब्जी बनाएंगे और सिंघाड़े की आटे की पूड़ी बनेगी। तो आप लोगों को खाना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसी बात के साथ में मैं अपने ब्लॉग को स्टॉप करती हूँ फिर, और बताना चाहूँगी कि केरी अभी सोई हुई है, आज गलत टाइम पर सो गई है। तो वो जब उठती है तो फिर शैतानियाँ, और आज देर रात से भी वो फिर सोएगी क्योंकि वो अभी सोई है। तो चलिए मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। और आप लोग भी प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। आप लोग देख सकते हैं ये छोटा सा हमारा मंदिर है और मम्मी ने कलश स्थापना की है। मैंने जस्ट अभी पाठ को ख़त्म करके आरती करी थी, तो अभी देखिए मेरा आरती कपूर वाला और बत्ती वाली यानी दोनों की जल रही है। और ये चौकी पे मम्मी स्थापित करी हैं माता जी को। खैर, माता जी का स्थान तो यही है। अभी हम लोगों को एक छोटा सा मंदिर लेना है। और ये देखिए मैया जी हैं, मुकुट वगैरह लगाए हैं अच्छे से, तो देख लीजिए आप सभी लोग। जय माता दी।